जय जवान जय किसान, 50 वर्ष पहले दिया गया ये नारा आज सिर्फ एक नारा भर बनकर रह गया है। जहां एक ओर सरहद पर जवान शहीद हो रहे हैं, वहीं देश के अंदर अन्नदाता तंगहाली असुविधाओं और मजबूर हालातों के चलते आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग आधी आबादी खेती के क्षेत्र में काम करती है, लेकिन देश की कुल जीडीपी में उनकी सिर्फ 16% हिस्सेदारी है। वैसे तो खेती करना दुनिया के किसी भी कोने में आसान नहीं है। किसान को तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत में उनकी स्थिति और भी दयनीय है। मैं तो लगा ही रहूं कि 24 घंटे इसी में रहूं, सुबह आगा मैं तो रात को ही जाऊं। रात को गिदड़े भी बहुत लगे हैं, रात को भी सोना पड़ जा। जनसंख्या के इतने बड़े हिस्से के इस क्षेत्र में काम करने के बावजूद जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है, और साथ ही घट रही है इसमें काम करने वाले लोगों की रुचि भी। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि कोई किसान शायद ही अपनी संतान को एक किसान बनाना चाहता हो। नौकरी ना लगेगी, अगर किस्मत में ऐसा है तो फिर तो करनी पड़ेगी। वैसे पूरे चांस तो ऐसे है कि बाहर ही निकल जाए खेती से तो ही अच्छा। किसान अपनी फसल को एक औलाद की तरह पालता पोसता है, समय पर खाद पानी कीटनाशक आदि का प्रयोग करता है। इतनी मेहनत से फसल उगाने के बाद जब वो उस फसल को बेचने के लिए बाजार लाता है तो उसकी फसल की कीमत भी कोई और तय करता है। वो सिर्फ एक मूक दर्शक मात्र बनकर रह जाता है। तो आड़ती उसे अपना भाव तोल करता है, जैसे भी करता है कि भाई 6 रुपये किलो बिक रहा है। वो हमसे पूछता है भाई 6 रुपये किलो का बताओ जी, जब नहीं बिक रहा तो 6 रुपये किलो ही देना पड़ेगा। जब कोई खरीदार नहीं है तो फिर हमें 6 रुपये किलो देना पड़ता है, और क्या करें। वैसे रोक तो सकते नहीं कि वो अनाज या मुंजी तो है नहीं जिससे कि हम उसे स्टॉक लगा लें। वहीं दूसरी ओर अगर एक टॉफी निर्माता एक टॉफी भी बनाता है तो उसकी कीमत खुद तय करता है। इतनी मेहनत के बावजूद भी किसान को उसकी फसल के वाजिब दाम नहीं मिलते। कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है कि फसल की लागत तक नहीं उसको मिल पाती। किसान के हाथ में क्या जा रहा है, 35 रुपये का भाड़ा आ रहा है, उसमें 115 रुपये जा रहे हैं, 10-15-20 रुपये की वहाँ की पैकिंग है, खुदाई है, दुनिया भर का है, सब किसान पे पड़ता है। ज़्यादा तो कम से कम खेत के उसमें 25-30 हज़ार का खर्चा बैठ लिया होगा। ऐसा तो मजदूरी देखी जाए तो ऐसा तो बहुत खर्चा बैठता है ना, अपनी लागत भी नहीं मिल पाती। फिर तो 2-3 रुपये किलो का इस पर हो गया खर्चा किसान का लाने का, वहाँ का भी खर्चा है किसान का लाने का, कुल मिला के 2-4 रुपये किसान के हाथ में जा रहे हैं, समझे नहीं। और आने वाले वक्त में ये भी नहीं जानेंगे क्योंकि दुकानदारी है नहीं बाजार में बिल्कुल। सरकार ने किसान का माल सीधा बाजार में पहुंचे उसके लिए मंडियां बनाई, लेकिन वही मंडियां आज बिचौलियों और दलालों का अड्डा बन गई हैं। देश का पूरा वितरण सिस्टम एक मकड़ जाल की तरह है जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। हालात बेशक बहुत खराब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे उबरा ना जा सकता हो। देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और जुनून के बल पर इस व्यवस्था को चुनौती दी है और एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। एक ऐसा ही नाम है कौशलेंद्र, जो IIM सब्जी वाला के नाम से मशहूर है। बिहार के पटना में रहने वाले इस किसान के बेटे ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी रहा। IIM से पढ़ाई पूरी करने के बाद देश विदेश की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अपनी राह पहले ही चुन चुका था। उसने अपने क्षेत्र के सब्जी किसानों को इस सिस्टम से मुक्ति दिलाने की ठान रखी थी। आज उसकी समृद्धि नाम की संस्था के जरिए किसान का सामान सीधा ग्राहक तक पहुंच रहा है। समृद्धि वाकई किसानों को समृद्ध कर रहा है, ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। इस तरह के उदाहरणों से एक बात तो समझ में आती है कि अपनी समस्या का समाधान खुद ही करना होगा। भारत में अधिकतर किसान अशिक्षित या कम पढ़े लिखे हैं। वो इस सिस्टम से मुक्ति तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कैसे। जब तक पढ़ा लिखा और प्रशिक्षित युवा इस क्षेत्र में नहीं उतरेगा, तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। भारत की आधी आबादी खेती से जुड़े काम करती है, और जब तक इनका विकास नहीं होगा तब तक भारत भी विकसित नहीं हो सकता। भारत की आत्मा आज भी गाँवों में बसती है। जब तक गाँव संपन्न नहीं होंगे तब तक देश संपन्न नहीं होगा। जय जवान जय किसान, जय हिंद।